कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो मगर कानून की नजर पड़ने के बाद बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में हुआ। अपने प्रेमी प्रसंग में बाधा बनने वाले जेठ और जेठानी और उनकी बेटी मनप्रीत को खाने में जहर सोनी उर्फ करमजीत कौर ने दिया था, जिसके चलते जेठ अमरजीत और जेठानी परमीत की अस्पताल ले जाते समय मौत हुई और बेटी मनप्रीत को इलाज करके बचा लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट करमजीत के पति सिकंदर सिंह ने लिखवाई थी। जानकारी ये मिली है कि करमजीत कौर का प्रेम प्रसंग पलिया में रहने वाले हैप्पी नामक लड़के से था, जिसका मिलना जुलना इस परिवार के कारण आसानी से नहीं हो पा रहा था। तब इस घटना को अंजाम देना आसान लगने वाला तरीका अपनाया, मगर घटना चुप नहीं पाई और पुलिस के चुंगल में फंस गई। डबल मर्डर को अंजाम देने वाली करमजीत को धारा 302 328 201 IPS का चार्ज लगाकर जेल भेज दिया गया है। ये पंजाबी टोला की घटना है। दिनांक 23/1/17 को हमें सूचना मिली कि उसके पत्नी ने जहर खा लिया है, जिसमें कि हॉस्पिटल में जो है उसका पति एक्सपायर हो गया है और पत्नी भी हॉस्पिटल गई है। अतः पता किया जाकर के वहाँ हमने, तो मालूम पड़ा कि अमरजीत और सिकंदर दो सगे भाई थे। सिकंदर छोटा था, अमरजीत बड़ा था। अमरजीत के दो लड़के थे, एक बेटी थी और पत्नी के घर में रहते थे। दोनों का किचन अलग अलग था, अलग अलग खाना बनाया करते थे। कालांतर में उन दोनों में कुछ जो है विरोधाभास हो गया, तो ये जो सिकंदर की वाइफ है करमजीत कौर सोनी, कोई 20-21 साल की है, नई लड़की है, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो इसका प्रेम संबंध हैप्पी नाम के लड़के से था। हैप्पी पलिया का रहने वाला है, तो उसने प्रेम संबंध के जो है तो वो आया करता था घर पर, तो इसकी जेठ जेठानी इसमें एतराज किया करते थे। अमरजीत इसका जेठ था और जेठानी इसकी जो है परमजीत थी। तो इस लड़की ने क्या किया कि जो है उसमें खाने में दही में कोई पॉइजन मिला दिया और फलस्वरूप जो है अमरजीत की भी मृत्यु हो गई, परमजीत की मृत्यु हो गई और उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम लवप्रीत था, उसे मनी मनी भी कहते हैं, 7-8 साल की थी, उसने भी वो दही खाया था। तो उसका ट्रीटमेंट यही गोला में हुआ, PSC में। डॉक्टरों ने उसमें बड़ा अथक परिश्रम किया, उसका सब वॉमिटिंग कराई, उनको साफ करा दिया पेट वगैरह और वो बच गई। तफ्तीश होती रही, उससे पूछताछ चलती रही, तो कल जो है इसको गिरफ्तार किया गया। फिर परमजीत कौर को डॉक्टरों के स्टेटमेंट पर कि हमने जहर का ट्रीटमेंट किया था और उसका बिस्तरा गया है, बिस्तरा का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन डॉक्टरों ने जो ट्रीटमेंट किया है लड़की का जो है उसको पॉइजन किया है, इस सब के आधार पर उसका चालान 302 में कर दिया गया।